मैं फरीदा, आप देख रहे हैं समाचार खबरें हिंदी टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फरीदा, आप देख रहे हैं समाचार खबरें हिंदी टीवी न्यूज। इस वक्त हम हैं मलाड ईस्ट में। इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं एमपी कंटेस्टेंट मिस्टर रवि बाबू गवली। ये नॉर्थ मुंबई से इलेक्शन में नॉमिनी फाइल किए हैं। आइए जानते हैं कि इलेक्शन को लेकर इनकी क्या तैयारी है। अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम है रवि बाबू गवली, मैं समता पार्टी से खड़ा हुआ हूँ। मेरा चिन्ह अभी फिलहाल तो डिक्लेयर हुआ नहीं, लेकिन जल्द ही जैसे डिक्लेयर होगा 6 तारीख को, वैसे मैं काम करना चालू कर दूंगा। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने नॉमिनी के लिए लोकसभा इलेक्शन के लिए भरा है, आप राजनीति को किस तरह से देखते हैं? राजनीति को मैं इस तरह से देखता हूँ कि जैसे अभी माहौल जो चालू है, सब बीजेपी का नारा है आपकी बात 400 पास, लेकिन अदर पार्टी है, इसमें बहुत से ऐसे पार्टी है और जनता है जो उनको जैसे गैस का, सिलेंडर का, स्कूल का, हॉस्पिटल का बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन वो खुल के नहीं सामने नहीं आ रहे। क्या वजह खुल के ना नहीं, क्या किस चीज का उनको डर लगता है? डर बोले तो सत्ता ही उनकी है, प्रशासन उसका है, पुलिस स्टेशन उनका है, सब कुछ उनका ही है। वो सबसे जनता, ग्राउंड लेवल की जनता सामने बोल नहीं पा रही, लेकिन इस इलेक्शन में ऐसा होगा कि जनता बोल के नहीं करके वोटिंग दे के बताएगी उन लोग को। इसके पहले आपके एरिया के जो पी नॉर्थ के एमपी थे गोपाल शेट्टी जी, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? इस बार तो उनको अपने गोपाल शेट्टी जी इतने अच्छे कैंडिडेट है जो ग्राउंड लेवल में काम करते है, और उनके जैसे एमपी मतलब सांसद कहाँ पे मिलेगा नहीं। कार्य उनका ग्राउंड लेवल में सबको मिलना, सबको मतलब ऐसा नहीं कि वो कभी मिले नहीं। जितने भी जनता है यहाँ की, उनके काम के लिए कभी बुलाया, फोन किया तो फोन पे भी अवेलेबल रहते थे। आपका मानना है कि एमपी गोपाल शेट्टी जी काबिले तारीफ काम किए? बहुत बहुत बहुत। आपको क्या लगता है कि उनकी जगह पे जो पीयूष गोयल जी आ रहे, वो तो केंद्र में क्या मुकाबला है आपसे? उनका ये है कि वो तो केंद्र में रहेंगे, यहाँ पे कभी मिलेंगे तो मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। उनके पास ऑलरेडी 3-3 केंद्रीय मंत्री पद है, उनके पास जनता को मिल ही नहीं पाएंगे वो। ऐसा आपको लगता है? हाँ, मुझे भी लगता है, जनता को भी लगता है, सबको लगता है। आगे आपका क्या तैयारी चल रही है इलेक्शन को लेकर? अभी मेरी जो टीम है वो सब काम में लगी हुई है। अभी 6 तारीख को मेरे को सिंबल मिल जाएगा, उसके 6 के बाद मेरा काम चालू हो जाएगा ग्राउंड में। क्या क्या काम आप करके देंगे अगर आप जीत के आते हैं तो? तीन मुद्दे हैं मेरे पास। एक तो स्कूल का मुद्दा है, जो अभी सरकार ने RTE राइट टू एजुकेशन को उन्होंने इंग्लिश मीडियम से हटा दिए ले। और दूसरा मुद्दा हॉस्पिटल का है, यहाँ पे 2.5 एकड़ में एसके पाटिल हॉस्पिटल है, उस पे अभी तक सरकार ने कुछ ऐसा बड़ा हॉस्पिटल बनाया नहीं है, खाली नाम के लिए खाली हॉस्पिटल बना हुआ है। वो उसको एकदम अच्छे से मतलब जैसा जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं वैसा बनाने का भी कोशिश करूंगा। और जितने भी स्कूल है BMC के जो प्राइवेट वालों को दिए इन्होंने लिस्ट पे, उनको वापस महानगर पालिका पे महानगर पालिका के अंडर में लेके अच्छा स्कूल बनाना चाहूंगा मैं। जितने भी जो लोकल संख्या है या लोकल नागरिक लोग है, उनके बच्चे वहां पे पढ़ सके, अच्छी शिक्षा ले सके। पॉलिटिकल करियर में आप कहाँ से शुरुआत किया? मेरी NGO है, जीवन जो सामाजिक सेवा संस्था, और मैं यूनियन का मुंबई सचिव हूँ, माने गोविंद जी परमार जी के साथ में हूँ मैं अभी फिलहाल। इससे पहले आपने कभी कोई इलेक्शन लड़ा है? इसके पहले मैं कभी इलेक्शन में लड़ा नहीं हूँ, लेकिन काम किया हुआ हूँ। अच्छा, अभी आप किस पार्टी से लड़ रहे हैं? जॉर्ज फर्नांडिस साहब की पार्टी है, समता पार्टी। जो जॉर्ज फर्नांडिस साहब पहले के संरक्षण मंत्री थे, रेल मंत्री थे, उनकी पार्टी से मैं लड़ रहा हूँ। जनता को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? जनता को यही मैसेज है कि अपना जो लोकल का कैंडिडेट उसे चुने, मैं जो लोकल में रहे उनके साथ में अवेलेबल, मतलब जैसे कि एनी टाइम कभी भी जाए वो कैंडिडेट मिले, जैसे गोपाल शेट्टी जी थे। आपको क्या लगता है कि जनता आपको प्यार दिखाएगी, इस वक्त वोट देगी आपको? वो तो वोटिंग के दिन ही पता चल जाएगा। क्या आपका NGO है और काम करने के लिए डोनेशन चाहिए, लेकिन 1280G सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से डोनेशन नहीं मिल पा रहा है?
तो आप आरटीआई एसके के एजेंसी से संपर्क करें। आरटीआई एसके के एजेंसी से संपर्क करके 1280G सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उठाए फोन और लगाए कॉल 9769025411।